Hello everyone, welcome back to another video of Reality 360 Degree. Guys, आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन में एंड आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है. लगभग एक से डेढ़ साल पहले मैं इस प्रोजेक्ट पर आई थी, तब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था एंड टुडे वी आर बैक अगेन एट द सेम प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट का नाम है सिविटेक स्ट्रिंग्स एंड फिलहाल मैं प्रोजेक्ट के आगे खड़ी हूँ, फ्रंट में खड़ी हूँ एंड आप पीछे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट आप यहाँ से ले सकते हैं. काफी हद तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, सुपर स्ट्रक्चर्स आर ऑलमोस्ट रेडी. सिविटेक स्ट्रिंग्स में आपको 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स मिलते हैं. ये प्रोजेक्ट बेसिकली अफोर्डेबल सेगमेंट का है, सो अगर आपका बजट बहुत ज्यादा हाई नहीं है और आप सेक्टर 10 एंड 12 में एक प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए सिविटेक स्ट्रिंग्स एक परफेक्ट प्रोजेक्ट हो सकता है. लोकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो अगर आप गौर सिटी सेंटर नोएडा की तरफ से अगर आप गौर सिटी सेंटर आते हैं तो आपको सीधा उसी रोड पर रहना है एंड अप्रोक्स 5 to 7 minutes की ड्राइव पर आपका राजेश पायलट चौक आ जाता है एंड राजेश पायलट चौक से बिल्कुल सटा हुआ ही है हमारा सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन. नजदीकी एरियाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मॉल्स मिल जाते हैं 5 मिनट के डिस्टेंस पर. आपकी गौर सिटी सेंटर की पूरी लेन आपकी 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस पर यहाँ पर रहेगी जिसमें आपको मल्टीपल मॉल्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं. डी मार्ट आपका अप्रॉक्स यहाँ से 10 मिनट के डिस्टेंस पर रहेगा. BGS इन्फिनिटी जैसे स्कूल्स, इनफैक्ट 6 से 7 स्कूल आपके यहाँ पर 5 मिनट के रेडियस के अंदर है. डेटा सेंटर भी यहाँ से नजदीक में है, वो अराउंड 2 से 3 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट नॉलेज पार्क 5 सेक्टर 12 के बिल्कुल ऑपोजिट है जिसमें फ्यूचर में मल्टीपल डेवलपमेंट्स होंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ अगर हम नेबरहुड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर फिलहाल मेजरली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, बट यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि हाल ही में डिलीवर हुए हैं जैसे कि ATS हैप्पी ट्रेल्स, महागुण मंत्रा एंड कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी नियर टू पोजेशन सेगमेंट के हैं. सिविटेक स्ट्रिंग्स फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है. सो गाइज, दैट वॉज द लिटिल ओवरव्यू ऑफ सिविटेक स्ट्रिंग्स. अब हम साइट के अंदर चलते हैं एंड इस प्रोजेक्ट को और फर्दर डिस्कस करते हैं. सिविटेक स्ट्रिंग्स आपका 4 acres के लैंड पार्सल में डेवलप हो रहा है. ये बेसिकली आपकी 2 side ओपन प्रॉपर्टी रहेगी, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है एंड यहाँ पर 4 acres में सिर्फ आपके 4 towers रहेंगे जिनकी हाइट S+27 floors की रहेगी. प्रोजेक्ट में 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स रहेंगे जिनके साइजेस आपके लिए स्क्रीन पर मेंशन है. ग्रीन एरिया एंड ओपन एरिया की बात करें तो प्रोजेक्ट में अप्रॉक्स आपको 50% ओपन कम ग्रीन एरिया मिल जाता है. 4 acres के प्रोजेक्ट में आपको अप्रॉक्स 1.5 acres का एक सेंट्रल ग्रीन पार्क भी मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे क्लब हाउस प्रेजेंट है. क्लब हाउस आपका अराउंड 20,000 square feet के एरिया में रहेगा जिसमें आपकी सारी बेसिक अमेनिटीज प्रेजेंट रहेंगी. फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके इंडोर गेम्स रहेंगे, जिमनेजियम, स्विमिंग पूल, बिलियर्ड्स, उसके साथ साथ पार्टी हॉल एंड बैंकेट हॉल भी आपका प्रेजेंट रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम प्रोजेक्ट में सारे अपार्टमेंट्स देखें तो मेजरली यहाँ पर आपको अपार्टमेंट्स 2 side ओपन मिल जाएंगे. उसके साथ साथ प्रोजेक्ट के फ्रंट में आपका एक कमर्शियल भी रहेगा जिसमें आपकी 15 सोसाइटी शॉप्स रहेंगी जो कि रेसिडेंट्स की डेली नीड्स को केटर करेंगी. गाइज, मैं प्रोजेक्ट के अंदर आ चुकी हूँ, ये रहेगी आपकी एक्चुअल साइट. गाइज, प्रोजेक्ट के फेज 1 में सिर्फ 2 towers ही लॉन्च किए गए थे, टावर ए एंड टावर बी जिसमें 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स है एंड 2 towers जो कि सी एंड डी है वो आपके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए छोड़े गए हैं. सो उसमें बड़े साइजेस भी इन फ्यूचर आ सकते हैं. ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट में आपकी अराउंड 800 यूनिट्स रहेंगी. गाइस, 2 and 3 BHK के जो टावर्स हैं उनमें एक फ्लोर पर आपकी टोटल 8 units रहेंगी, 8 flats रहेंगे जिन्हें एक्सेस करने के लिए आपके पास लिफ्ट एंड स्टेयरकेस दोनों का प्रोविजन रहेगा. एक्चुअल फ्लैट यहाँ का रेडी हो चुका है. सो फिलहाल मैं आपको जल्दी से टावर के अंदर लेके जाने वाली हूँ और यहाँ का एक्चुअल फ्लैट दिखाने वाली हूँ. सो लेट्स गो. गाइस, मैं फिलहाल लॉबी एरिया में आ चुकी हूँ एंड यहाँ आके मुझे एक और चीज पता चली है कि यहाँ पर एक्चुअल तो रेडी हो ही रखा है, साथ ही साथ एक सैंपल भी रेडी हो रखा है. बट फिलहाल मैं आपको यहाँ का लॉबी का लेआउट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी. तो एक कॉर्नर पर यहाँ पर आपके 2 apartments रहेंगे, फर्दर यहाँ पर आपके 2 apartments रहेंगे. सिमिलरली अगर आप किसी पैसेज से और आगे जाते हैं, लॉबी का और आगे जाते हैं तो दूसरे एंड पे आपके रिमेनिंग 4 apartments रहेंगे. साथ ही साथ सेंटर में आपके पास लिफ्ट का प्रोविजन आ जाता है.
एंड फिलहाल मैं आपको 2 BHK प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ जिसका साइज रहेगा 1090 square feet, 1090 square feet का ये 2 BHK सैंपल अपार्टमेंट रेडी हो चुका है। चलिए इसका टूर करते हैं। So guys, we are inside the sample finally and sample दिखाऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि 2 BHK अपार्टमेंट का इतना इंटरेस्टिंग लेआउट मैंने पूरे नोएडा एक्सटेंशन में कहीं नहीं देखा है। really guys, लेआउट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लग ही नहीं रहा है कि मैं एक 2 BHK प्रॉपर्टी के अंदर हूँ। काफी कॉम्पैक्ट साइज है, 1090 square feet का साइज है, बट लेआउट इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो ये रहेगी आपकी मेन एंट्रेंस एंड जैसे ही आप अंदर आ जाएंगे आप सीधा एंटर हो चुके हैं यहाँ के लिविंग स्पेस में। दिस इंटायर स्पेस इज योर लिविंग कम ड्राइंग स्पेस एंड इसी के एडजॉइनिंग आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया भी। साथ ही साथ लिविंग स्पेस के साथ आपको यहाँ पर एक बालकनी भी मिल जाती है, ये आपकी प्राइवेट बालकनी रहेगी। उसी के साथ फर्दर डाइनिंग के साथ ही आपकी अटैच रहेगी किचन। किचन फिलहाल पूरी रेडी नहीं है बट अभी काम चल रहा है, सो किचन आपकी कंप्लीट फॉर्म में आपको मिलेगी, ये फिलहाल इनकम्प्लीट है। साथ ही साथ किचन के साथ आपको यूटिलिटी एरिया भी मिल जाएगा एंड डाइनिंग के बिल्कुल एडजॉइनिंग एक फर्स्ट बेडरूम आपका आ जाएगा। सो डाइनिंग के बिल्कुल साथ आपका रहेगा फर्स्ट बेडरूम जो कि अगेन काफी अच्छे साइज में है। इनफैक्ट इस बेडरूम के साथ आपको एक बहुत ही अच्छी बालकनी यहाँ पर मिल जाती है एंड इस बेडरूम के साथ आपको एक कॉमन वॉशरूम भी मिल जाएगी जैसे कि आप बाहर के एरिया से भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड गाइस इसी के बिल्कुल एडजॉइनिंग रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम एंड दिस इज अमेजिंग इन साइज, काफी अच्छा आपको यहाँ पर स्पेशियस बेडरूम मिल जाता है। दिस इज सेकेंड बेडरूम जो कि आ जाता है आपके अटैच्ड वॉशरूम के साथ एंड वन मोर थिंग यहाँ पर आपको वॉशरूम्स भी काफी स्पेशियस मिल जाते हैं। दिस इज अ 2 BHK फ्लैट बट यहाँ पर हर चीज काफी अच्छी है, आई थिंक लोडिंग एरिया काफी ज्यादा कम है। विद दैट आपको इस बेडरूम के साथ भी एक प्राइवेट बालकनी मिल जाती है, दोनों बेडरूम्स के साथ आपको प्राइवेट बालकनीज भी मिल जाती है। आई जेन्युइनली लव द लेआउट ऑफ दिस सैंपल दिस एक्चुअल फ्लैट इन सिबिटेक स्प्रिंग्स। आपको भी अगर पसंद आया तो जल्दी से कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा एंड वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस यहाँ पे जो आपके अपार्टमेंट्स रहेंगे वो आपको रॉ कंडीशन में डिलीवर किए जाएंगे बट वो आपके स्मार्ट फीचर्स के साथ रहेंगे। स्मार्ट होम्स आपको ऑफर कर रहे हैं सिबिटेक स्प्रिंग्स जिसमें आप लाइट फैन अपने कंट्रोल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूरा प्रोजेक्ट माइवान फ्रेमवर्क के साथ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, काफी ज्यादा लो डेंस प्रोजेक्ट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी पे तो आपको सारे रेनाउंड बैंक से लोन भी अवेल हो जाएगा। एंड टू समराइज ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, इस सेगमेंट में आपको इस पूरे सेक्टर में कोई दूसरा प्रोजेक्ट ऑफर नहीं कर रहे हैं अपार्टमेंट्स। बिल्डर के क्रेडिबिलिटी की बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन में सिबिटेक काफी ज्यादा रेनाउंड बिल्डर हैं एंड इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ये सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सिबिटेक एक्सपीरिया, सिबिटेक संप्रति ये इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं एंड बिल्डर एक टाइम पर एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। इनफैक्ट टाइम से पहले डिलीवरी के लिए वो अपने जाने जाते हैं। इनफैक्ट मैं इसी प्रोजेक्ट की बात करूं तो एक साल के अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। कंस्ट्रक्शन जब मैं यहाँ पर लास्ट टाइम पे आई थी तो 0 level भी थी बट आज आप देखें तो 4 towers खड़े हो चुके हैं, 2 towers इनके ऑलमोस्ट कम्प्लीशन के स्टेज पर है एंड 2 आधे अपने हाफ कंस्ट्रक्शन लेवल पर पहुंच चुके हैं। फर्स्ट 2 towers की बात करूं गाइस ए एंड बी की तो वो नेक्स्ट ईयर तक डिलीवर हो जाएंगे एंड पूरे प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो पूरा प्रोजेक्ट 2027 तक डिलीवर हो जाएगा। गाइस नाउ कमिंग टू द प्राइसिंग ऑफ सिबिटेक स्प्रिंग्स, सो फिलहाल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान है। BSP की अगर मैं बात करती हूँ तो करंट BSP यहाँ की 7600 पर स्क्वायर फीट से 7990 पर स्क्वायर फीट के रेंज के बिटवीन रहेगी। 2 BHK में लिमिटेड इन्वेंट्रीज है, मेजर इन्वेंट्रीज फिलहाल यहाँ पर 3 BHK कैटेगरी में है। सो 3 BHK की स्टार्टिंग कॉस्ट आपकी अप्रॉक्स 96.50 लाख रहेगी।
एंड गाइस अगर मैं इस प्राइसिंग को इस एरिया के बाकी प्रोजेक्ट से कंपेयर करूं तो काफी ज्यादा डिसेंट है। यस, आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा कि 96 लाख में मैं आपको एक 3 BHK प्रॉपर्टी कह रही हूँ, वो भी डिसेंट कह रही हूँ। बट गाइस इस एरिया में प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो चुकी है, सो उनसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो सिविटेक स्ट्रिंग्स अभी भी आपको काफी डिसेंट प्राइसिंग में प्रॉपर्टी ऑफर कर रहे हैं। सो गाइस अगर आप सेक्टर 12 में या सेक्टर 10 के अराउंड एक प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं अपने लिए, अपने सेल्फ यूज के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप सिविटेक स्ट्रिंग्स को कंसिडर कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ हमारे पास इस एरिया में मल्टीपल और ऑप्शंस भी प्रेजेंट हैं, तो आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड उनके बारे में जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं, आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।